गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? एक बार मुझे कंफर्म कर दो प्लीज कि मेरा वीडियो ऑडियो दोनों क्लियर आपको। दिख रहा देख रहा हूँ मैं, ठीक हाँ है। ऑडियो क्लियर है मेरी? साफ, बिल्कुल आवाज मेरी साफ आ रही है? हाँ ठीक आ रही है, अच्छी आवाज नहीं आ रही मेरी? अच्छी आ रही है। अच्छी है, इन्हीं मेरी आएगी कैसे अच्छी? चलो ठीक है। संदीप मतलब हम अपनी जान नहीं बचाए हैं, हम अपनी जान नहीं बचाए। संदीप, हिमांशी ने आज बुराई कर दी मेरी आज। सुना आपने क्या बोला हिमांशी ने? हिमांशी ने बोला आवाज अच्छी नहीं है। नहीं अच्छी आ रही है, बिल्कुल अच्छी आ रही है, लता मंगेशकर जैसी आ रही है। चलो ठीक है। तो भाई सेटिंग अरेंजमेंट समझ में आया सब लोग? अच्छे से हम लोगों ने कर लिया? ठीक है, प्रैक्टिस कर ली उसकी आप लोगों ने? वर्कशीट लगा ली उसकी फिटिंग अरेंजमेंट की? ठीक है, देखो उसमें प्रैक्टिस की तो बहुत ज़रूरत है आपको। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करोगे तभी उसके ऊपर कमांड आप लोग बना पाओगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पजल के साथ। देखो पजल भी बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना फिटिंग अरेंजमेंट, मतलब ज्यादा ही कह लो, एक कदम आगे। मतलब ये दोनों टॉपिक्स ही ऐसे हैं जो आपको बैंकिंग एग्जाम में नहीं पार लगवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि आप इसमें कितने टाइप के पजल्स पढ़ोगे। ठीक है, पहले तो क्लासिफिकेशन समझो। सर और अगर जैसे हाँ जो मेंस होता है उसमें आप कहते हो 13 मिनट बचाने हैं तुमने पजल के लिए, तो अगर प्री होता है तो उसमें कितने मिनट बचाने हैं पजल के लिए? पजल के लिए देखो एक बात बता दूं, पहली बात तो प्री में कोई चैलेंजिंग पजल नहीं आएगा, कोई ऐसा पजल नहीं आएगा जो आपसे होगा नहीं। ठीक, लेकिन मेंस में जरूर एक ऐसा पजल आ सकता है जो किसी से भी नहीं हो उस टाइम पे, और आता है हर बार ही आता है। एक ऐसा पजल आता ही आता है, कितना ही विद्वान आदमी हो आपकी नजर में, आप जिसको विद्वान मानते हो आप लोग, आप ये समझो उससे भी नहीं होगा वो क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ठीक, ऐसा आता है। अभी ये है कि आप प्रिलिम्स की अगर आप बात कर रहे हो तो प्रिलिम्स में ऐसा कोई चैलेंजिंग नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन अगर तब भी आप SBI PO की बात करोगे तो एक आधा क्वेश्चन अच्छा आ जाता है जिसमें लगभग 3.5 मिनट लग जाती है, 3.5 से 4 मिनट, 4 मिनट। तो ये समझ लो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको 3.5 से 4 मिनट लग रहा है वहां पे, 3.5 से 4 मिनट अगर कोई लेके जा रहा है तो पजल एक तो SBI PO में आएगा, एक अच्छा, या IBPS PO में भी नहीं आएगा, SBI PO में भी आता है, एक आएगा सबसे ज्यादा। तो अगर आप नॉर्मल क्वेश्चंस की बात करोगे अच्छे लेवल की, अगर आप अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप जा रहे हो एग्जाम में, तो आपको 2.5 मिनट से ज्यादा कोई भी सेटिंग अरेंजमेंट पसंद नहीं लगेगा, लगना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है हिमांशी, ठीक है, हाँ ठीक है, और कोई समस्या तो नहीं है? नहीं और नहीं है। तो सैटरडे को आर्गुमेंट पढ़ाया था, आर्गुमेंट समझ में आया था अच्छे से? चलो हाँ अच्छे से आ गया वो तो। उस टॉपिक को, अगर कोई उस टॉपिक को समझ लेता है ना मेरे पढ़ाने के बाद, तब मुझे लगता है कि हाँ भाई मुझे आता है पढ़ाना, क्योंकि वो टॉपिक ऐसा टॉपिक है, मैं सही बता रहा हूँ कि
खुद जब मैंने पढ़ा था ना तो मुझे इतनी जल्दी समझ में नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कभी ना कभी किसी इसकी गाइडेंस से देख रहा हूँ, कभी उस गाइडेंस से देख रहा हूँ, नहीं समझ नहीं आया। वो टॉपिक ऐसा है कि जिसकी मैंने जब बहुत प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस के साथ क्या क्या होता है मैं बताऊँ। एक तो उसमें उस टॉपिक की एक खासियत है, उसमें ना कोई टिप्स और ट्रिक्स नहीं है, कोई टिप नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। मैंने एक जगह पर्टिकुलर जगह से 100-150 सवाल लगाए, मैंने 100-150 सवाल लगा लिए, तो उन सवाल को लगाने के साथ साथ उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ता था पीछे जाके कि भाई अगर ये वाला स्ट्रॉन्ग है और ये वाला वीक तो क्यों है ऐसा, तब जाके कमांड बनी उस टॉपिक पर अच्छी जाकर। अभी चीज मैं समराइज करके आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। नहीं संदीप, वो टॉपिक इंडिविजुअल परसेप्शन पर होता है, लेकिन वो पढ़ाने के बाद मैं वही कोशिश करूंगा कि संदीप अगर उत्तर की ओर देख रहा है और हिमांशी अगर दक्षिण की ओर देख रही है तो दोनों को उठाकर पूरब की ओर ले जाना है, मुझे ये करना होता है उसमें, अपना हर कोई उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सोच रहा होता है, ठीक है। तो वो कोशिश रहती है, क्योंकि ना तो वह मैथमेटिक्स आती, ना तो वही रीजनिंग की कोई ट्रिक्स आती जो हो जाए। हाँ जी ठीक। तो देखो ठीक होता है, बेसिक पजल आपका 3 तरह का होता है। तो जब हम पजल को क्लासिफाई कर रहे हैं तो पहले पजल का नाम हमने क्लासिफिकेशन टाइप रख दिया, रख दिया क्लासिफिकेशन टाइप। एक बार मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा वो सुन लेना, तो एक आइडिया लग जाएगा कि क्लासिफिकेशन टाइप पजल होता कैसा है। जैसे कि यहाँ पे 4 लोग हैं, अंजलि, हिमांशी, उसके बाद ममता, प्रणति, संदीप और एक मैं विश्वास। हम 7 लोग अलग अलग कंट्री जा रहे हैं और प्रोफेशन से, कोई हम में से लॉयर है, कोई हम में से बिजनेसमैन है, कोई हम में से ट्रेनर है, कोई हम में से स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक। तो ये जो अभी मैंने बोला है ना एक स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट होता है, इस टाइप का जो सवाल बनता है इसे कहती है क्लासिफिकेशन टाइप पजल। क्या ये बात बच्चों समझ में आई? बच्चे मन के सच्चे, किसी सर बात में आज टाइप ना एक बूट। हम हाँ मैं बूट ना आज टाइप नहीं करूंगी, क्योंकि ना मैं वो टाइप वो कीबोर्ड मोबाइल पे लेती हूँ, क्लास कीबोर्ड खोलती हूँ ना तो फिर स्क्रीन छुप जाती है सारी। ठीक है ठीक है, ठीक है। तो मतलब बोलोगी आज, आज चुप नहीं बैठोगी? नहीं, मतलब जब जरूरत होगी ना मैं तभी बोलूंगी। ठीक, वैसे तो आप हमें बोल, ठीक है। तो पहला हो गया आपका क्लासिफिकेशन टाइप पजल, उसके बाद हो गया आपका दूसरा शेड्यूलिंग टाइप पजल। शेड्यूलिंग टाइप पजल, इसका उदाहरण समझोगे बच्चों? जैसे कि हम 7 लोग हैं, हम 7 लोग कौन कौन है? AHK, MPSV, हम 5 लोगों का एग्जाम है सोमवार से लेके मंगलवार, मंगलवार बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। हम 7 लोगों का 7 दिन एग्जाम है, किसी दिन एग्जाम है। तो इस टाइप के जो पजल होते हैं इन्हें हम बोलते हैं शेड्यूलिंग टाइप पजल। ये बात समझ में आई? ठीक दूसरा आया है आपका क्लासिफिकेशन के बाद शेड्यूलिंग के बाद, तीसरा आता है आपका या बॉक्स बेस्ड पजल, फ्लोर बेस्ड या बॉक्स बेस्ड पजल। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको बोल दिया जाएगा एक 7 मंजिला बिल्डिंग है जिसमें पहला फ्लोर है आपका 7वें नंबर का, फिर उससे नीचे आते आगे छठा, पांचवा, तीसरा, दूसरा, पहला। इस 7 मंजिलों में एक एक जना रहता है,
करूंगा। समझ आई ये बात? ये हो गया आपका फ्लोर बेस्ड या बॉक्स बेस्ड पजल। अब चौथा जो होता है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा मेंस में देखने को मिलते हैं। अब यहां पर होगा मिसलेनियस टाइप पजल। आप इस मिसलेनियस टाइप पजल में क्या करेंगे, जैसे कि आप लोगों ने मेरी एक क्लास अटेंड करी होगी सैटरडे वाले दिन मेंस लेवल सेटिंग अरेंजमेंट की, करी थी आप लोगों ने अटेंड? सेटिंग अरेंजमेंट की क्लासेस ली थी मैंने दो। उसमें आपने देखा होगा पहले दिन मैंने एक सवाल कराया था, इसमें मैंने बताया था कि आठ दोस्त हैं, वो अलग अलग कंपनियों के मालिक हैं और अलग अलग कंट्री में घूमने जाते हैं। अब उसमें हुआ क्या, उसमें सिटिंग अरेंजमेंट और क्लासिफिकेशन टाइप पजल को मिक्स करके दे दिया। ऐसी और भी पजल आएंगे जहां पर सिटिंग अरेंजमेंट शेड्यूल मिक्स करके दे देंगे, कहां कोई पजल आएगा जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट ब्लड रिलेशन मिक्स करके दे देंगे, कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें वो लोग क्या करेंगे, जिसमें वो लोग शेड्यूलिंग को और आपके ऑर्डर एंड रैंकिंग को, ऑर्डर को मिक्स करके दे देंगे। तो इस टाइप के जो पजल होते हैं उन्हें कहते हैं मिसलेनियस टाइप पजल होते हैं। तो ये चार तरह के बेसिक टाइप के पजल है जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं प्रीलिम्स में और मेंस में। तो चौथा मिसलेनियस टाइप पजल है, ये आपको मेंस में देखने को मिलता है। क्लियर है बच्चों? ओवरऑल ओवरव्यू क्लियर है पजल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सर जैसे जो ब्लड रिलेशन और क्या नाम है सीटिंग अरेंजमेंट को मिक्स करके ना एक पजल आता है, वो भी हम करने लग जाएंगे, वो इसी का पार्ट है पजल का। पजल का ही पार्ट है, अब मैं करा दूं उसके बाद कर लेना जितनी चाहो। हाँ मुझे करा रहे हैं, ठीक है। और कोई समस्या किसी को, कोई पिछले टॉपिकों में परेशानी हो रही है, प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग, एसबीआई क्लर्क भर दिया, तैयार हो पूरी तरीके से रीजनिंग सेक्शन में, कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही, कहीं लैग तो नहीं कर रहे हो, मुझसे बातचीत करो, अपने डाउट्स बताओ, प्रैक्टिस करो जोरों शोरों से। सोनाक्षी फॉर्म भर दिया एसबीआई का, कौन सी स्टेट से भरा है? सब लोग बताओ मुझे कौन कौन सी स्टेट से भरा है। नहीं करा है यूपी से भर के आपने, क्योंकि आपको, क्योंकि अगर आप किसी और स्टेट से, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, लैंग्वेज प्रोफिशिएंट, लैंग्वेज क्या बोलते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंट टेस्ट होता है इसमें, ठीक है। अगर यूपी का बच्चा महाराष्ट्र का भर देगा और उसे मराठी नहीं आएगी तो वो बाहर हो जाएगा वहां से। हाँ, लैंग्वेज प्रोफिशिएंट टेस्ट। नाशी कहां से भर दिया आपने? सर वैसे मेरे पापा ने भरा, शायद चंडीगढ़ से भरा है। हाँ तो फिर तो चंडीगढ़ में कौन सी लैंग्वेज मांग रहे हैं, हिंदी? हाँ कोई नहीं मांग रहे, कुछ हिंदी तो हाँ हिंदी मांग रहे हैं। तो वैकेंसी कितनी है वहाँ पे चंडीगढ़ में? मुझको इस बात का नहीं पता कि क्या कितनी है, वो पापा भर के आए हैं। चंडीगढ़ बहुत अच्छी सिटी है, मैं 2-3 बार विजिट कर चुका हूँ वहाँ पे, बहुत अच्छी है। चंडीगढ़ बहुत अच्छी सिटी है, 2-3 बार विजिट कर चुका हूँ मैं वहाँ पे। अच्छा दस या 12 का रिजल्ट पे वो लैंग्वेज रहेगा था, मैं लेनी पड़ता था, मतलब जैसे I mean, मैं अदर स्टेट से भर रहा हूँ और मेरे 10th या 12th के रिजल्ट अगर वो लैंग्वेज है, मींस वो लैंग्वेज में पढ़ा है तो मुझे तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप महाराष्ट्र, आप यूपी से पढ़े हो, ठीक है, और अगर आपको ऐसी स्टेट में जाना है जैसे छत्तीसगढ़ में जाना है, तो छत्तीसगढ़ की अगर लोकल लैंग्वेज आपकी तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल ले लेंगे आपको, कुछ फर्क नहीं पड़ता आपने 10th 12th का सब्जेक्ट पढ़ाओ या नहीं पढ़ाओ। Yes, I mean, कोई भी स्टेट से हो तो, पर अगर आपका 10th और 12th में वो लैंग्वेज है जो प्रिस्क्राइब्ड जो स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो, देन वो प्रोफिशिएंट टेस्ट नहीं होता है। अच्छा तो नहीं होता? हाँ तो नहीं होता है। अच्छा तो नहीं होता, इसका फ्रॉम अदर स्टेट तो होता है। हाँ सर, हाँ सही बोल रहे हो आप, करेक्ट है। ठीक है, तो आप लोगों के सामने ये जो मैंने अभी डिस्कस किया था, क्लासिफिकेशन टाइप पजल, शेड्यूलिंग बेस पजल, मिसलेनियस पजल, ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम लोग वन बाय वन करके। सोनाक्षी कुछ कह रहे हो आप?
क्वेश्चन नंबर, मुझे बात समझ नहीं आई जो संदीप ने कही है। संदीप समझी ने ये कह रहा था, जैसे मैं महाराष्ट्र से भर रहा हूँ और मेरे टेंथ अभी यहाँ का लैंग्वेज मराठी है, प्रेस्क्राइब लैंग्वेज। तो अगर मेरे टेंथ के रिजल्ट पे या ट्वेल्थ के रिजल्ट पे मराठी लैंग्वेज है जो मैंने स्टडी किया है, तो मुझे प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। मैं मुंबई में पढ़ा लिखा बड़ा हूँ तो मुझे पता होगी। हाँ, तो उसको प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना है। अच्छा ठीक, थैंक यू, वेलकम। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, इसे 2 मिनट देखो, कर सकते हो क्या ट्राई, या फिर मैं पहले सॉल्व करूँ आपके लिए। मैं से ट्राई करूंगा कि मैं सॉल्व करूं पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन। कर दो सर एक बार ये वाला कर दो। चलो सब लोग फिर एक बार ध्यान से देखो इधर, ठीक है। देखो, देयर आर 10% जेपी क्यू आर एस टी डब्ल्यू यू वी और एक्स, दे आर लिविंग इन अ 10 फ्लोर बिल्डिंग, 10 मंजिला फ्लोर पर रहते हैं, सच दैट द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज 1, जस्ट अबव द फ्लोर इज नंबर एज 2 एंड सो ऑन, द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 10, ठीक है। सबसे ऊपर वाले फ्लोर का नंबर क्या होगा? 10, उससे नीचे 9, उससे नीचे 8, उससे नीचे 7, उससे नीचे 6, उससे नीचे 5, उससे नीचे 4, उससे नीचे 3, उससे नीचे 2, उससे नीचे 1, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना होगा इसमें बच्चों, आपको ये कॉन्फ़िगरेशन को समझ के ये तरीका बनाना पड़ेगा। आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन बैठ गए कि ये किस टाइप का है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये वो क्लासिफिकेशन है, ये आपको क्लासिफिकेशन लग रहा है फिर क्या लग रहा है, क्या बनाई है ये, गुफा बनाई है ये, एक बिल्डिंग बनाई है, शेड्यूलिंग है ये, हैं? स्टार्टिंग में सो रहे थे आप? मुझे याद नहीं है, याद नहीं है, ये फ्लोर बेस पजल है, इसमें क्या बिल्डिंग बनी हुई है, नहीं बनी फ्लोर, हाँ, ठीक है, आ गया, समझ आ गया। फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, तो सीधे से क्या करोगे, पी को 5वें फ्लोर पर बैठा दोगे। आप क्या लिखा है, ओनली 3% लिव बिटवीन पी एंड वी, तो बोल रहा है ये कि पी और वी के बीच में 3 लोग हैं, तो हिमांशी क्या इसमें 2 कंडीशन बन सकती हैं? हाँ, पी और या तो वी आएगा 1 पे और या आएगा अपना 9 पे। हाँ, कंडीशन बनाने की कभी दिक्कत नहीं होती हमें, ठीक, और बीच में लाइन खींच लो दोनों अलग अलग कंडीशन। T lives immediate above J. इसका मतलब हुआ कि अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, अगर पहले सुन लो, अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि T lives above J, तो इसका मतलब ये है कि T J के ऊपर किसी भी बिल्डिंग में रह सकता है, किसी भी,
ऊपर रहना है उसे, ठीक। लेकिन यहाँ इमीडिएट अबव जे, तो टी लिफ्ट इमीडिएट अबव जे का मतलब ये हुआ कि जे से जस्ट ऊपर जो बिल्डिंग होगी उसमें टी दे रहा होगा, समझ आई ये बात, ठीक है। लिफ्ट इमीडिएट अबव जे हु लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, इसका मतलब ये हुआ कि जे जो है ऑड नंबर वाली फ्लोर पर रह रहा होगा, ऑड नंबर या तो पहले पे या तीसरे पे या पांचवे पे या सातवें पे या नौवे पे, समझ आई ये बात। ममता समझ आ रहा है? कृतिका प्लीज अभी ट्राई मत करना बच्चों, आगे क्वेश्चन में ट्राई करने के टाइम दूंगा, अभी मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ तो प्लीज एक बार देख लो यहाँ पे, ठीक हो गया यहाँ तक। अब देखो एस लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो आर, एस लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो आर, वही हुआ एस कहाँ रह रहा है, आर के किसी भी नीचे वाले एक फ्लोर पे, ठीक है। एस लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो आर का मतलब क्या हुआ कि जो एस है वो आर के नीचे रह रहा है किसी भी एक फ्लोर पे, ये बात समझ आई। नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन जे एंड पी, जे और पी के बीच में जितने लोग रह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ पर्सन लिव्स बिटवीन जे एंड पी इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन टी एंड आर, यानी कि जे और पी जितने लोग रह रहे हैं, यानी कि जितने लोग जे और पी के बीच में रह रहे हैं उतने लोग टी और आर के बीच में रह रहे होंगे, समझ में आया ये वाला स्टेटमेंट, और इसको जो मैंने रफ में लिखा है वो समझ में आया, ठीक। आगे देयर इज ओनली वन फ्लोर इन बिटवीन यू एंड एक्स, वन फ्लोर बिटवीन यू एंड एक्स, यू और एक्स के बीच में क्या है, समझ आया तीनू क्या हुआ, तीनू गांधी क्या हुआ, ठीक। आगे W lives on an odd numbered floor, यानी कि W कहाँ रह रहा है, W lives on an odd numbered floor, मतलब W किसी भी odd number floor पर रह रहा है, ठीक। R does not live on floor, ये जो R है ये दसवें floor पर नहीं रहेगा। S lives on an odd numbered floor above X, बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना, S lives on an odd numbered floor, यहाँ पर कौन से फ्लोर पे होगा, ऑड फ्लोर पे, ठीक है। एस लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर अबव एक्स, मतलब आर से नीचे एस है जो कि एक ऑड नंबर फ्लोर पर रहता है और उससे नीचे एक्स है, समझ में आया यहां तक। ओके कहां पर हिमांशी, समझ में आया क्या नहीं आया, मतलब एक्स जो है वो ओड नंबर पे है और हाँ एक्स के ऊपर रहता, ठीक है संदीप कहां पे, हाँ सुनो संदीप यहाँ पे क्या लिखा है, एस लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर अबव एक्स, यानी कि जो एस था संदीप संदीप वो आर के नीचे रह रहा था और एस जो है ऑड नंबर फ्लोर पे भी रह रहा है और उससे नीचे कौन रह रहा है, एक्स रह रहा है, समझ आया संदीप अभी। अब इसको एक बार पूरा पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ और भी दे रखा है। एस लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर अबव एक्स, बट अब यहां पर ये जो लाइन दी गई है बच्चों की स्क्रीन दी गई है, S lives on an odd number floor of X but not on seventh floor, seventh floor पे कौन नहीं रहेगा हिमांशी, seventh floor पे कौन नहीं रहेगा, S
एस नहीं रहेगा, तो एस यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक, अब देखो वी लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन लिव्स, वी लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच पी लिव्स। तो एक बात बताओ, अब ये लाइन को पढ़ने के बाद कौन सा वाला काट दूं इसमें से, वी लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच पी लिव्स, सेकंड काट दूं अंजलि, सेकंड वाला गलत हो गया हिमांशी, सेकंड वाली कंडीशन काट दो बच्चे, हिमांशी आपकी आवाज नहीं आ रही, लो हिमांशी तो चली गई क्लास छोड़ के, फिर बोले ही समझ में नहीं आया। चलो ठीक है, इसका मतलब क्या है, वी लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच पी लिव्स, इसका मतलब सेकंड वाला केस काट दो। कैसे होगा सेकंड वाला केस, मुझे पता था, मैंने ही बोला था चली गई है सर, मेरा नेटवर्क अभी भी अटक अटक की आवाज बड़ी मुश्किल से हो रही है क्लास मेरी, अभी ये वाला बता दो बस, इसको पढ़ो, वी लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच पी लिव्स, तो यहाँ पे जो कंडीशन बनाई थी ना ये वाली, ये काट दी मैंने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है वी लिव्स बिलो फ्लोर ऑन विच लिव्स, पी के नीचे वाले फ्लोर पर रहता है, ठीक है, अभी वी ऊपर नीचे कैसे आया, हाँ यार ये काट देंगे, ठीक है आ गया, आ गया मेरे को आ गया, ठीक है, गोली मार दूंगा यहाँ से मैं, ठीक है, वी लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच पी लिव्स, द फ्लोर ऑन विच एक्स लिव्स, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दिया था कि यू और एक्स के बीच में एक पर्सन रहता है, ठीक है, अब इन्होंने यहाँ एक और स्टेटमेंट दे दिया कि यू लिव्स अबव द फ्लोर ऑन विच एक्स लिव्स, इसका मतलब यू यहाँ पे आएगा और इसके एक फ्लोर के नीचे एक्स आएगा, यहाँ पर यू और एक्स के बीच में एक पर्सन भी रह रहा है और यू एक्स के ऊपर रह रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ क्योंकि पहला सवाल है, ठीक है, तक हो गया, उसके बाद Q lives on an even floor above P, क्या लिखा है, Q lives on an even numbered floor above P, इसका मतलब ये है कि जो Q है वो एक तो P से ऊपर रहता है और even number floor पर रहता है, तो जरा नजाओ, अगर Q P से ऊपर कहाँ का रह सकता है, छठे पे, आठवें पे, दसवें पे, तो अभी फिलहाल के लिए इसे होल्ड कर लेते हैं कि Q lives on P on an even number floor, छठे आठवें दसवें पे भी तो आ सकता है, दसवें पे नहीं है, हाँ पूरा स्टेटमेंट तो पढ़ने दो मुझे, Q lives on an even number floor above P but not on top floor, यानी कि Q या तो Q यहाँ पे आएगा या तो Q यहाँ पे आएगा, ठीक हो गया, यहाँ तक क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया, अब आगे बनाए ऐसे, यहाँ तक समझ में आ गया सबको, यहाँ तक क्लियर है, चलो अब यहाँ पर हमें कंडीशनों को करना पड़ेगा चेक, ध्यान से देखना, दिमाग के घोड़ों को खोल के रखना, ठीक है, चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं, क्या बात करें, देखो नहीं, अब ठीक है, तो देखो यहां पर सबसे पहले एक चीज देखनी है आपको, सुनो एस आपका कहां पर रह रहा है, देखो एस आपका कहां पर रह रहा है बच्चों, ऑड फ्लोर पर रह रहा है, एस आपका ऑड फ्लोर पर रह रहा है, तो एस को कहां बैठाओगे, देखो
एस को नाइन्थ फ्लोर पे बैठा नहीं पाओगे, क्योंकि एस पर है, मैं इस वाली कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एस इस वाली कंडीशन की, एस के ऊपर आर आता है और एस ऑड पे बैठा है, तो एस नौ पे तो आ नहीं सकता क्योंकि आर को ऊपर बैठाना पड़ेगा और आर टेंथ पे आता नहीं है। सेवेंथ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर पे पी बैठा है, ठीक, बता थर्ड फ्लोर, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे बी बैठा है, तो समझ आ गया कि मैंने एस को बैठा दिया, ठीक। अब देखो नीचे एक्स खाली बचे नीचे, तो एक्स यहाँ आ जाएगा, एक्स और यू के बीच में एक पर्सन बैठा और यू ऊपर है, यू यहाँ आ जाएगा, समझ आई ये बात? सर ये आपने यहाँ कैसे लिया है? कौन कहाँ लिया है? U और X आपने यहाँ फोर, U फोर पे कैसे लिया है? यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे, इसको पढ़ो पहले, S के नीचे X है ना, S के नीचे X है, ठीक है ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट सब लोगों को यहाँ तक? आगे देखते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे ये वाली कंडीशन, अब देखो बच्चों, जे के जस्ट ऊपर टी बैठा था, जे के जस्ट ऊपर टी बैठा था, ठीक है, तो कैसे करोगे? जो ऑड पोजीशन में बैठाना है तो जे को या तो आप नवे स्थान पे बैठाओगे या जे को सातवें स्थान पे बैठाओगे। अगर जे को मान के चलते इन बजे अगर मैं सातवें स्थान पे बैठाता हूं, तो टी मेरा जस्ट उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे जितने लोग जे और पी के बीच में बैठे हैं, जे और पी के बीच में कितने लोग हैं? एक जना है, क्यू, तो टी और आर के बीच में भी एक जना आएगा, तो यहाँ पर आर को बैठाना पड़ेगा, लेकिन आर को बैठ नहीं सकता, इसका मतलब ये वाली कंडीशन नहीं बनेगी, इसका मतलब अब जे को स्थान पे कहां पर बैठाऊंगा? नवे स्थान पे। तो जे को अगर नवे स्थान पर बिठाता हूं तो ऊपर कौन आ जाएगा? तो टी आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब जे कितने हैं? एक दो तीन, तो टी और आर के बीच में तीन लोग होंगे, एक दो तीन, लेकिन नहीं बन पा रहा, बन पा रहा है क्या? क्या इस वाली कंडीशन में ये हिसाब किताब बन पा रहा है? मानसी टी और आर के बीच में तीन आएंगे, क्यों? तो यहाँ पे क्या लिखा नहीं है? हाँ ठीक है आ गया मेरे को, ठीक है ठीक। तो अब ये वाली कंडी इधर से हिसाब किताब नहीं बनना, इधर आ जाओ। अब आपस में बैठा था तो एस नवे स्थान पे नहीं आ सकता, एस सातवें पे बैठेगा नहीं, पांचवें पे पी बैठा है, एक पे बी बैठा है, तो एस यहाँ आ जाएगा, एस अगर यहाँ आ जाए तो एस उसके नीचे यहाँ आ जाएगा, ठीक ठीक। अब देखो जे नवे पे क्यों नहीं बैठ सकता? मेरा मन नहीं है, संदीप बताओ, संदीप बताने क्यों नहीं बैठ सकता नवे स्थान पे? ऐसे क्योंकि ऊपर आर आएगा है ना, और आर हमारे ऊपर, ठीक है। एस सेवन पे बैठ नहीं सकता, एस फाइव पे वैसे नहीं बैठ सकता, हाँ ठीक है ठीक है, आ गया, देखा ठीक है, आप दिमाग क्यों ना फिर समझ में आ जाता है। मैंने आपकी आदत खराब करी है, आपको हर चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जे के जस्ट ऊपर टी बैठा है, ठीक, तो मानी कि जे यहाँ पे ऑड पोजीशन पे होगा, तो जे यहाँ पर सातवें पे आ नहीं सकता क्योंकि उसके ऊपर क्यू है, यानी कि जे बैठेगा नौ पे, यहाँ पर जे के लिए कोई और पोजीशन खाली नहीं बची। अब देखो जे और पी के बीच में कितने लोग हैं? एक दो तीन हो गए, और टी और आर के बीच में तीन लोग आएंगे, एक दो तीन, आर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब कहानी खत्म, डब्लू कहाँ बैठा था? ऑड पे, पूरा का पूरा आ गया समझ में बच्चों सभी लोगों को ये क्वेश्चन? अंजलि, खुशी, कृतिका, ममता, प्रणति, संदीप, शेफाली, सिमरन, प्रीत, सोनाक्षी, यश, अनिजा, और एक बात याद रखना, जितना हो सके उतना इस क्लासेस को लाइव अटेंड करना, ठीक है, क्योंकि लाइव क्लासेस में आप क्यों और क्या पूछ सकते हो,
रिकॉर्डेड क्लास में आप प्योर क्या नहीं पूछ सकते। सही बात है मानसी? हाँ सर, वो जो आपने मेंस की क्लास कराई थी हमको, वो दोबारा होगी ना? हमें तो पता ही नहीं था प्रीलिम्स के बारे में, फिर अब मैं क्या करूँ आप बताओ। YouTube पे आपको क्लास करा। लाइव करना, YouTube पे लाइव क्लास करना मुझे आता नहीं है। ठीक भाई, मैं पढ़ाता हूँ। अब ऑफिस बंद पड़े, हम लोग घर से पढ़ा रहे हैं, तो क्या करूँ अब मैंने तो भैया मुझसे किसी ने कही भी नहीं थी, मैं तो खुद से ही एफर्ट डाल रहा था जिससे मैं आप लोगों के लिए और हेल्प कर सकूँ। भगवान ने चाहा कि बेटा अभी थोड़े दिन रुक जाओ, तो रुक गए। फिर मुझे तो बहुत मजा आ रहा था वो क्लास लेने में, दोबारा ले लो फिर आप। तो दोबारा कैसे लूँ? YouTube पे लाइव करना नहीं आता ना मुझे। क्यों नहीं आता सर आपको? नहीं, सिखा दो आप, एक काम करो सीख लो आप पहले, फिर सिखा दो मुझे। आप किसी से सीख लो, आप आपको आना चाहिए सर, ज्यादा ज्ञान मत दो आता होगा आपको। आप झूठ बोल रहे हो। यार, क्या है लड़की में, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? उस टाइम भी तो आपने ली थी ना। अरे तो क्योंकि वो टेक्निकल बंदे होते थे ऑफिस के अंदर, अच्छा मुंह पर अच्छा ग्रेड ठीक है लाइक। ठीक है, अच्छा ठीक है। फिर जब वापस आ जाओगे ना, तब ले लेना हमारी क्लास ऑफिस पूरी। आ जाएंगे तो ठीक, हम दे देंगे, पक्का प्रॉमिस है ये। सोनाक्षी हाँ ठीक है। अच्छा वहां पर अलाउ नहीं है बच्चे। चलो अभी आप पहले ये पढ़ लो, मैं आपको यहीं पर करा दूंगा टाइम मिलेगा तो। ठीक है चलो। हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन डब्ल्यू एंड एस? डब्ल्यू और एस के बीच में कितने लोग रहते हैं? डब्ल्यू और एस के बीच में एक दो तीन, तीन लोग रह रहे हैं। कितने लोग रह रहे हैं डब्ल्यू और एस के बीच में? तीन लोग। सर, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर? सबसे उच्चतम बिल्डिंग के फ्लोर पर कौन रहता है? टी। ठीक है, हम हाँ, ममता यूट्यूब पर हैं लेकिन सिर्फ दो ही हैं बच्चे। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड ट्राई करो, पर इन क्वेश्चनों को खुद से भी घर पे आके सॉल्व करना है एक बार। हिमांशी समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक हाँ आ गया मेरे को, मतलब समझ आ रहा है।
वेरी गुड खुशी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। हाँ नाइदर वी नॉर वाई लिव्स ऑन फ्लोर वन ऑफ फ्लैट ए। ना तो बच्चे वी ना तो वाई फ्लोर वन फ्लैट ए में नहीं रहता। वेरी गुड अंजलि, सोनाक्षी, सर आ तो गया लेकिन ये नहीं पता ठीक है गलत है, आंसर तो आ गया। संदीप, यश, अनेजा, शेफाली, चीनू, बहुत बढ़िया, प्रणति, प्रणति कर लिया आपने, कृतिका, बहुत सुंदर। चलो 10 persons, थोड़ा डाउट है। 10 persons P2Y लिव ऑन 5 different floors, ईच फ्लोर है 2 फ्लैट, फ्लैट ए एंड फ्लैट बी। फ्लैट ए इज एग्जैक्टली टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी, यानी कि लेफ्ट में। ओनली 1 person लिव इन ईच फ्लैट। चलो तो 5 फ्लोर है, एक दो तीन, एक दो तीन चार, ये 5। हर फ्लैट, हर फ्लोर पर 2 फ्लैट है। फ्लैट ए फ्लैट बी के वेस्ट, फ्लैट ए फ्लैट बी के वेस्ट में है, ठीक। इसको पहला फ्लोर मान लो, इसे दूसरा मान लो, इसे तीसरा, इसे चौथा, और इसे 5वां, ठीक। नेक्स्ट देखो, यहां क्या लिखा है, ओनली 1 person लिव इन ईच फ्लैट, मतलब एक फ्लैट में एक ही व्यक्ति रहता है। एस लिव्स इन टॉप मोस्ट फ्लोर, यानी कि टॉप मोस्ट फ्लोर कौन सा हुआ बच्चे, पहला, तो एस यहां पे रहेगा। देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन एस एंड पी, देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन एस एंड पी, यानी सर कि हाँ बोलो। तो ए में भी रह सकता है और बी में भी तो रह सकता है एस। मैंने कहा, मैंने अपनी बिठाया उसे भी एस को, ठीक। अभी अच्छा ठीक है। देर आर 2 फ्लोर बिटवीन एस एंड पी, यानी कि 5वें फ्लोर पे अगर एस रह रहा है, तो एस और पी के बीच में अगर 2 फ्लोर है, यानी कि पी दूसरे फ्लोर पे रहेगा, ठीक। और यहाँ एक और लाइन लिखी है, बोथ ऑफ सर देम लिव इन द अभी सेम फ्लैट। अभी आपने दो कंडीशन क्यों नहीं बनाई, दो बन तो बना चुकी नहीं बना रहे ना, है आप। जरूरत ही नहीं है, डिपेंड करता है जरूरत के हिसाब से। यार यहाँ पर लिख दिया ना कि 5वें फ्लोर पर रह रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आ जाएगा, यहाँ पर पी रह रहा है, जरूरी नहीं रट्टा नहीं मानना। अगर मुझे लग रहा है पढ़ने के बाद कि क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, तो मैंने लिख लिया। मुझे भी नहीं पता कि 2 कंडीशन बनानी या नहीं बनानी, मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज के और जरूरत के हिसाब से बनाता हूँ चीजों को, ठीक। और ये सर आपको डिसाइड करने कैसे की पता कैपेबिलिटी मैंने नहीं मुझे, बनानी। देखो यहां पर मुझे लगा कि सिंपली मैंने सामने लिख लिया, ठीक है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। जब भी ऐसी फ्लैट की बात होगी तो सामने आराम से प्लेस कर सकता हूँ, और ज्यादा यहाँ पे वेरिएबिलिटी भी नहीं है, ज्यादा फ्लोर भी नहीं है। ये ठीक जो है आपकी खुद से डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी आएगी जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, देखो ये मत पूछो, क्योंकि ये चीज मेरे अंदर या किसी और भी टीचर या किसी और भी स्टूडेंट के अंदर तब बिल्ड होती है जब वो लगभग 100 150 200 सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक ठीक है। है। अब यहाँ क्या लिखा है, एस लिव्स इन द टॉप मोस्ट फ्लोर, देर आर 2 फ्लोर बिटवीन एस एंड पी, एंड बोथ ऑफ देम लिव इन सेम फ्लैट। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि अगर एस फ्लैट ए में रह रहा होगा तो पी भी फ्लैट ए में रहेगा, और अगर एस बी फ्लैट में रह रहा होगा तो पी भी सेम फ्लैट में रहेगा। समझ आई ये वाली बात बच्चों, ये बात समझ में आई बच्चे, मन के सच्चे, आई समझ में नहीं आई? नहीं ऐसा समझ में नहीं आई मानजी?
आ गई है, आ गई है तो बोल लो फिर। सर मैं ऐसे बोलूंगी ना तो क्लास में कंफ्यूजन होता रहेगा, मैं वैसे ही बहुत बोलती हूँ। आप बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। आप नहीं बोलोगे ज्यादा कंफ्यूजन होगा, पता है। सही बोल रहा हूँ संदीप? हाँ ठीक, मैं बोल दूंगी। ठीक है चलो अभी आ गया। आर लिव्स टू द ईस्ट ऑफ पी, इसका मतलब क्या है? आर लिव्स टू द ईस्ट ऑफ पी का मतलब ये हो गया कि आर के राइट में, सॉरी पी के राइट में आर होगा। इस लाइन का मतलब यही तो हुआ, आर लिव्स टू द ईस्ट ऑफ पी, यानी कि पी के राइट में तो आर होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? तो अगर पी के राइट में आ रहे तो मतलब ये दोनों सेम फ्लोर पर रह रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि पी यहाँ रहेगा और आर यहाँ रहेगा। ठीक, अब यहाँ क्या लिखा था कि एस और पी सेम फ्लैट में रह रहे हैं, इसका मतलब एस फ्लोर नंबर 5 के फ्लैट ए में रहेगा। मैं आ गई इतनी सी बात आ गई होगी। ठीक, आगे देखो, दिस वन फ्लोर गैप बिटवीन आर एंड क्यू एंड बोथ ऑफ देम लिव इन डिफरेंट फ्लैट। आर और क्यू के बीच में एक फ्लैट का डिफरेंस है और दोनों अलग अलग फ्लैट में रहते हैं। मतलब आर और क्यू के बीच में एक फ्लोर का डिफरेंस है और दोनों ही अलग अलग फ्लैट में रहते हैं। जैसे कि आर और क्यू नीचे जा नहीं सकता, इसका मतलब आर और क्यू, क्यू आपका चौथे फ्लोर पे आएगा। और अगर आर और क्यू दोनों अलग अलग फ्लैट में रह रहे हैं तो क्यू कहाँ रहेगा? फ्लैट नंबर ए में रहेगा, नहीं रहेगा? क्या यहां तक बात सबको समझ आई? अच्छा, ममता अभी दूर हुआ कंफ्यूजन की अभी भी नहीं हुआ? ममता देखो अब यहाँ क्या लिखा है, टी लिव्स इमीडिएटली अबव क्यू। अब यहाँ पर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर कि टी लिव्स इमीडिएटली अबव क्यू ना, कि क्यू के जस्ट ऊपर टी आएगा, लेकिन यहाँ पे क्यू के जस्ट ऊपर तो एस बैठा है। तो बच्चों यहाँ पर कहीं भी ये नहीं लिखा कि टी लिव्स इमीडिएटली अबव क्यू का मतलब ये होता है। अगर देखते फ्लोर में दो या तीन फ्लैट है, एक फ्लोर में दो या तीन फ्लैट है, और अगर सिर्फ इतनी सी बात कही जा रही है कि ए लिव्स इमीडिएटली अबव बी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग सेम फ्लैट में हैं। इसका मतलब ये है कि जो ए है वो बी के जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे किसी भी फ्लैट पे हो सकता है। समझ आई ये बात? जैसे कि यहां पर लिखा है कि टी लिव्स इमीडिएटली अबव क्यू, अगर यहाँ पर एस की जगह बेटे क्यू भी, एस की जगह पर अगर टी भी नहीं लिखा होता ना, तो अभी आप डायरेक्टली वहां पर टी को प्लेस नहीं करते। हाँ इतना क्लियर है कि क्यू के ऊपर वाले फ्लोर पे टी रह रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है सेम फ्लैट है। हाँ बिल्कुल प्रणति, ठीक। बट ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर कि क्यू के ऊपर वाले फ्लोर का एक फ्लैट ऑक्यूपाइड है तो टी ऑटोमेटिकली फ्लैट बी में चला जाएगा। अब तो ये बात क्लियर है ना ऑटोमेटिकली? तो ये यहाँ आ जाएगा टी ईस्ट ऑफ यू। ये क्या लिखा है बच्चों? W lives to the east of U, यानी कि ये दोनों सेम फ्लोर पर रह रहे हैं और W U के राइट में रह रहा है। आगे क्या लिखा है? W lives to the east of U, but not on the bottom most floor। मतलब कि पहले फ्लोर पर नहीं है, तो पहले फ्लोर पर नहीं है तो भाई चुपचाप थर्ड पे आ जाएंगे, क्योंकि तो और तो कोई ऑप्शन बचा नहीं। ठीक है, अब क्या लिखा है? Neither B nor Y, यानी कि ना तो B पहले फ्लोर पर रहता, पहले फ्लोर के फ्लैट ए पे नहीं रहते हैं। जो क्या लिखा है, नाइदर बी नॉर वाई लिव्स ऑन फ्लोर वन ऑफ फ्लैट ए, यानी कि इस वाले घर में तो बी ना वाई रहता। ठीक, अब क्या लिखा है? बी लिव्स अबव वाई, तो ऑब्वियस बात है बी वाई के ऊपर रहता है, तो बी यहाँ आ जाएगा और वाई यहाँ। अब जो बच गया कौन बच गया? पी, पी से लेके वाई तक कौन बच गया? अच्छा एस कैसे ले जाएगा? पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, अच्छा एक्स ले गया, एक्स यहाँ। ठीक है भाई, समझ आ गया क्वेश्चन अच्छे से? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को बता दो मुझे एक बार। अब यहाँ पर क्या लिख रहा है बच्चों? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़ के आंसर करो जरा। Who lives
ऑन फ्लैट नंबर ए ऑफ फ्लोर नंबर फोर. फ्लोर नंबर फोर के फ्लैट नंबर ए पे कौन रह रहा है मां जी? क्यू. क्या क्यू रह रहा है? मैंने ना दो कंडीशन बनाई थी, मेरा यही आया. मेरे को कोई दिक्कत नहीं है लेकिन टाइम लग गया ना कंडीशन बनाने में. धीरे धीरे चीजों को सीखोगे, धीरे धीरे सीखोगे. एक दिन में तो बिल्कुल रस्सी पर नहीं आएगा लेकिन धीरे धीरे जरूर सीखोगे. इसी कारण चीज सर आप कोई भी क्वेश्चन बिना कंडीशन कर सकते हो. क्या कह रहे हो? जैसे कोई भी क्वेश्चन आए बिना कंडीशन बनाए कर सकते हो? मेंस का तो बिल्कुल नहीं कर सकता मैं. क्या कोई और नहीं कर सकता? मेंस का क्वेश्चन एक्सपीरियंस हो गया ना तो फिर आपको पता चल जाता होगा. ऐसी बात है कि क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को पढ़ने के अंदाजे से मालूम पड़ जाता है कि ये प्री का या मेंस का है. ठीक. अगर मेंस का क्वेश्चन होगा, अगर मेंस का क्वेश्चन होगा तो मैं चाहे आए समझ में चाहे ना आए समझ में मैं कंडीशन बनाऊंगा. क्योंकि अगर मैं कंडीशन नहीं बनाऊंगा तो 100 में से 95% चांस है कि क्वेश्चन मेरा बनेगा नहीं. समझ आया? मेंस का क्वेश्चन तो बिना कंडीशन बनाए बन ही नहीं सकता. हाँ लेकिन प्रीलिम्स की बात है तो मैं बना सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ अगर उसमें बनाने की जरूरत भी हो तो. चलो अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है ना, सब लोग इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिया. हाँ ले लिया. ठीक है अब ले लिया तो जाओ फिर जल्दी. ठीक है फिर इस वाले क्वेश्चन को ट्राई कर लेना आप लोग सब लोग खुद से. ठीक है और जो पहले दो क्वेश्चन कराए हैं उनको एक बार जरूर वापस से करके देख लेना. पहला वाला तो करके देख लेना क्योंकि दूसरा वाला काफी लोगों ने कर लिया था. पहला वाला खुद से करके देख लेना. ठीक है तीसरे वाले को ट्राई कर लेना, हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो इसको इसके साथ हम अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे. ठीक है उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा बच्चों. ठीक है अपना अपना ख्याल रखना. बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय और पढ़ाई कर लो, एंजॉय तो करते रहते. बाय बाय सर. बाय बाय. आप लोग भी स्टे सेफ. संदीप.